सूरजपुर जिले के बलदेव नगर में 2 माह पहले हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। आईजी सरगुजा से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों को आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है। बलदेव नगर में 29 जुलाई 2020 को मृतक सघन सिंह की लाश गांव के एक नाले के पास चोटिल हालत से मिली थी। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया था। परिजन पुलिस पर आरोपियों से पैसे लेकर मामले को दुर्घटना बताकर दबाने का आरोप लगा रहे हैं। के ऊपर और ढलेश्वर के ऊपर तक बोल करके हम लोग पहुंचा दिए, लेकिन पुलिस लोग मतलब कोई ध्यान नहीं दिए हमारे बात में। भाई जमीन बेचा है और पैसा का आरोप लगाया 53। पहले जो बातें आई सामने उस बात को पुलिस वाले मान नहीं रहे हैं, जबकि एक्सीडेंट का केस बताया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है। और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने देखा है उनका कोई भी दांत नहीं बाकी रह गया था, दोनों हाथ टूट गया था, सिर में चोट था, मुंह में तेल डाल दिया गया था, यहाँ तक कि उसका जो गुप्तांग है उसको भी खींच के फेंक दिया गया था। मर्ग कायम किया गया था और मर्ग जांच की जा रही है। एसडीओपी वहाँ पे विजिट किए थे, वहाँ पे गांव वालों से भी पूछताछ किए हैं और जो जिसने घटना देखना बताया था उससे भी पूछताछ की है, बाद में उसने इनकार कर दिया। इस पर लगातार मर्ग जांच उसकी जारी है और जो भी तथ्य इसमें आएंगे वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला के कोतवाली थाना अंतर्गत